नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जनरल साइंस का जो हम लोग सीरीज़ में चला रहे हैं, ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोडेड है। दिस इज़ द 4th पार्ट ALP एंड ग्रुप डी के लिए, तो ज़रूर देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, दैट इज़ एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो जो एडिबल, एडिबल मतलब खाने लायक जो पार्ट है, वो कौन सा है? बर्ड, इन्फ्लोरिसेंस, फ्लावर या फ्रूट? देखो, वो जो है इन्फ्लोरिसेंस है, ठीक है। बर्ड नहीं होता, फ्लावर भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। तो ये याद रखना, 1 का B इज द राइट आंसर। अच्छा, मैंगो का एंड कोकोनट का कौन सा हो जाएगा एडिबल पार्ट? मेसोकार्प, इंडोकार्प, इंडोकार्प, मेसोकार्प, मेसोकार्प एंड पेरिकार्प या स्टाइलेंस्टिग्मिया? तो देखो, ये याद रखना, मैंगो एंड कोकोनट जो फल जो होता है उसके अंदर वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, तो वो हमेशा मेसोकार्प एंड इंडोकार्प होता है, ठीक है। तो दैट आप अच्छा से याद रखना। नेक्स्ट आते हैं 3rd क्वेश्चन में, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑप्टेन? जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो हम लोग कहाँ से लेके आते हैं? रूट से, फ्रूट, सीड या स्टीम से? कौन सा जो होता है जहाँ से हम लोग टर्मरिक हल्दी निकालते हैं? तो वो स्टीम, जो स्टीम होता है, मतलब एक ट्री का आपका रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है, सीड, जो डंडा जो होता है ना, वो दैट इज आपका स्टेम से हम लोग जो है टर्मरिक लेते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फ्रूट बॉडी ऑफ मशरूम इज प्रेजेंट इन, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम इज प्रेजेंट इन किस में रहता है? फंगी, एल्गे, लाइक मोनोकॉटलीडन सीड्स या लाइक डाइकॉटलीडन सीड्स? तो देखो, ये जो है फंगी, एक्चुअली मशरूम कुछ नहीं है, फंगी है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिंजर एंड स्वीट पोटैटो आर, जिंजर एंड स्वीट पोटैटो क्या है? होमोलोगस, स्टेम एंड रूट रिस्पेक्टिवली या एनोलोगस या बोथ बी एंड सी? तो जिंजर एंड स्वीट पोटैटो जो है, जो मिट्टी के नीचे होता है, दैट इज डी, बी एंड सी, मतलब स्टेम एंड रूट्स तो है ही है और एनोलोगस भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैजा ग्रेन क्या है? सीड है, एम्ब्रियो है, ओवल है या फ्रूट है? तो देखो, मैजा जो है, जिसे वो हम लोग ये रोटी बना के खाते हैं, तो वो जो है एक फ्रूट है, मैजा जो है एक ग्रेन जो है एक फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 7, द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, कौन सा ऑड है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या इरिथ्रोसाइट्स? तो देखो, इसमें से जो ऑड मैन आउट है, अगर हम लोग करें तो बाकी मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स सब एक ही है, आर्थ्रोसाइट्स जो है आपका डिफरेंट है, तो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। 7 का डी इज द राइट आंसर। फोलेम इज अ टिश्यू फाउंड इन, फोलेम जो टिश्यू है किसमें मिलता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनिमल्स का, प्लांट में, इंसेक्ट्स या मैमल्स में? तो देखो, फोलेम जो है वो प्लांट का एक टिश्यू है, ठीक है, तो फोलेम इज अ टिश्यू फाउंड इन प्लांट, तो आंसर बी हो जाएगा, राइट। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, पोटैटो जो हम लोग आलू खाते हैं वो क्या है? रूट है, स्टीम है, फ्रूट है, लीफ है? लीफ तो नहीं होगा, फ्रूट तो नहीं होगा, स्टीम एंड रूट में क्या होगा बताओ? ये स्टेम है, ठीक है, तो याद रखना है, ये स्टेम है, रूट नहीं है, ये स्टेम का पोर्शन है पोटैटो। नेक्स्ट आ जाओ, स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड्स इज डन फॉर रिमूविंग, स्कैरिफिकेशन किस लिए होता है? सीड्स का स्कैरिफिकेशन क्यों करते हैं, क्या रिमूव करने के लिए? डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, ग्रोथ या इम्ब्रो? तो देखो, ये डॉर्मेंसी, स्कैरिफिकेशन क्यों होता है, उसका डॉर्मेंसी जो है उसको हटाने के लिए, मतलब निद्रा जो बोलते हैं ना, आलसपन, उसको हटाने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, द स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट क्या है, सबसे छोटा फ्लावर प्लांट क्या है? एमोरोफोफिलस, अजाडाचटा इंडिका, आर्टिका इंडिका, उल्फिया, दिस आर ऑल साइंटिफिक नेम, दैट इज उल्फिया अरहिजा, ये आपका होगा स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम याद रखना। डिकॉट रूट हैविंग मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स क्या है? पी, सनफ्लावर, फिकस या रनुनकुलस, ये क्या होगा? डाइकॉट रूट हैविंग मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स जिसका होगा, तो देखो ये पी का है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 13 में, इंडोडार्मिक्स ऑकर, इंडोडार्मिक्स किस में ऑकर होता है? स्टेम में, सिर्फ रूट में, डाइकोट स्टीम एंड ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स में या बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टीम्स एंड रूट में? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, डाइकोट स्टीम्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स में। तो इंडोडार्मिक्स ऑकर कहाँ पे होता है? डाइकोट स्टीम्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है। 14, इंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन किस में मिलता है? इंडोस्पर्मिक सीड्स, करिका पपया, डोलिकोस लैबला, गोड या पीसीएम स्टीवियम? तो देखो, ये कैरिका पपाया में जो है इंडोस्पर्मिक सीड्स मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन, खाना जो हम लोग खाते हैं वो बेसिकली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? अच्छा से देख के सोचो ये क्या होगा। ये जो है देखो, स्मॉल मैक्सिमम जो नॉर्मली डाइजेस्टेड कहाँ पे होता है? लीवर में तो नहीं होता, स्टोमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाओ, अ मैरिड कपल एडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड, अ फ्यू ईयर्स लेटर ट्विन बॉयज वर बॉर्न टू देम, ठीक है। एक मैरिड कपल होता है, एडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड एडॉप्ट करते हैं,
कुछ साल बाद उनका दो जुड़वा जो है लड़का होता है वर बॉर्न टू देम. द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज ए बी पॉजिटिव नेगेटिव. द ब्लड ग्रुप ऑफ थ्री सन्स इज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड ओपोजिट. द ब्लड ग्रुप द एडोप्टेड सन क्या होगा? ऑब्वियसली देखो ये ओ पॉजिटिव ही होगा. ठीक है नेक्स्ट आ जाओ. द रिलीज ऑफ व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज इन टू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मॉस्क्यूटो. तो कौन करता है? क्रैब, डॉग फिश, गंबूसिया फिश या स्नेल. देखो ये याद रखना, जो कभी भी पॉन्ड में अगर मॉस्क्यूटो है तो वो तुमको करने के लिए गंबूसिया फिश जो है वो कभी ला के भी रख देते हैं. ठीक है तो वो कंट्रोल कर लेता है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फिनोमेना फाउंड वेयर द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कॉपुलेशन. कहाँ पे? ड्रैगन फ्लाई, हनी बी, स्पाइडर या पिट वाइपर. ये देखो स्पाइडर में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फीमेल मार देती है मेल आफ्टर कॉपुलेशन के बाद, फीमेल जो है मार देती है मेल को, तो ये आपका क्या होगा? स्पाइडर हो जाएगा. 18 का. 19. इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम. कहाँ पे? बेसिकली स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, कर्विक्स में, फैलोपियन ट्यूब में, लोअर पार्ट ऑफ यूटरस या अपर पार्ट ऑफ यूटरस. तो ये याद रखना, दिस इज फैलोपियन ट्यूब में ही जो है आपका स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देता है. ठीक है नेक्स्ट लास्ट 20 का. प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर. लीवर का कौन सा फंक्शन है? लिपेज प्रोडक्शन करना, यूरिया, मुकुस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमेशा यूरिया लीवर का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन प्रोडक्ट करती है? दैट इज यूरिया. ठीक है तो चलो गाइज ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसके बाद भी सीरीज चलता रहेगा, ज़रूर ये अच्छा से कर लेना. और इसका नोट्स जो है मुझे, मैं टेलीग्राम में दे देता हूँ, तो टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लो. और देखो और मुझे कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि मैं वो जो नंबर है मेरा वो बंद करने वाला हूँ, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. तो एक ऐप से कॉल मी फॉर ऐप्स आप इसमें मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड करके, ठीक है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके मुझे DSC ये मेरा जो है वो है उसको सर्च करके आप मुझे कॉल कर सकते हो गाइस. ठीक है तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना. तो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.